चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्दी के सितम की। ऐसा लगता है कि राजधानी के स्कूल संचालकों को कलेक्टर के आदेशों की कोई परवाह है ही नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और सर्दी को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूल्स सुबह 9 बजे से संचालित करने के आदेश पहले ही दिए हुए हैं। लेकिन जब फर्स्ट इंडिया की टीम आज सुबह 8 बजे निजी स्कूल पहुंची तो वहां देखा कि नौनिहाल सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। जब फर्स्ट इंडिया संवाददाता शिवेंद्र सिंह ने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चे अपने स्तर पर ही जल्दी पहुंच रहे हैं। हालांकि वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि बच्चे क्यों जल्दी स्कूल पहुंच रहे हैं जब उन्हें स्कूल प्रबंधन द्वारा जल्दी नहीं बुलाया जा रहा है। वहीं जब हमने अभिभावकों से बात की तो उन्होंने स्कूल की पोल खोल दी। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल का समय 8:30 बजे है, ऐसे में इससे पहले बच्चों को स्कूल एनी हाउ पहुंचना होता है। जयपुर के सबसे बड़े अधिकारी हैं जिला कलेक्टर, जयपुर के मुखिया हैं, लेकिन उनके आदेशों को ही जो स्कूल्स हैं वो मान नहीं रहे हैं, इतने हल्के में ले रहे हैं कि कलेक्टर के कहने के बावजूद 9 बजे के बाद बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। और बहुत छोटे छोटे बच्चे, आप तस्वीरें देखिए, पवन दिखाएंगे, कौन सी क्लास में हो बेटा? 4 में। सर्दी लग रही है सुबह सुबह? कितने बजे आते हो रोज? आते 7 बजे। सर्दी लग रही है तो देखिए आप, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और भी छोटे बच्चे हैं। 9 बजे का बोला है कलेक्टर ने, ऑर्डर जारी हो गए। वी विल आल्सो ओपन द स्कूल एट 9 o'clock। लेकिन बच्चे तो 8 बजे से आ रहे हैं मैडम, मैं भी यहाँ 8 बजे से ही हूँ। स्कूल बेल इज नॉट रंग सर। नहीं तो लेकिन स्कूल तो आपने गेट तो शुरू कर ही दिया ना भाई, जब बच्चे 8 बजे आ जाएंगे तो फिर कलेक्टर के ऑर्डर जारी करने का फायदा क्या हुआ मैडम? आप इन नौनिहालों में थोड़ा सा तो, वी आर विद द गवर्नमेंट ओनली, व्हाट एवर ऑर्डर वी गेट वी फॉलो दैट। कहाँ फॉलो हो रहा है बताइए मुझे, कहाँ हो रहा है? बेल इज नॉट रंग नो। अरे मैं कह रहा हूँ जब बच्चे 8 बजे आ गए तो फिर कलेक्टर के ऑर्डर जारी करने का क्या फायदा हुआ? बच्चों तो आपको 8:30 पौने 9 ही बुलानी चाहिए ना। आप मेयर से ढंग से बात कीजिएगा। मैं तो कितने अच्छे से पूछ रहा हूँ मैडम, आप बात करने का भी तरीका होती है मैडम, मैं तो बहुत अच्छे से पूछ रहा हूँ आपको। ये तो मैं भी बोल रही हूँ, देखो कोई ऑटो वाले बच्चों को जल्दी लाते हैं तो क्या हम गेट ओपन ना करें क्या? लेकिन कोई ऑटो वाले नहीं मैडम, मैंने कम से कम 40 ऑटो गिन लिए सुबह से, आप अंदर देखिए कितने बच्चे स्कूल में आ गए। देखो हमारे बच्चे जो है समय से पगले आते हैं। जिला कलेक्टर की परवाह नहीं है आपको? हम कभी भी जो है गवर्नमेंट ऑर्डर के विरुद्ध नहीं जाते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ है, हमेशा साथ देते भी हैं। मैडम अभी समय हो रहा है 8:19, आप मीडिया जो है कोई भी बात को गलत इंटरप्रेट करते हैं, उसकी जो सब कुछ तो आपके सामने हो रहा है। इन बच्चों में थोड़ा सा तो तरस खाइए मैडम, थोड़ा सा। सर्दी देखिए आप, 7 डिग्री, मुझे सर्दी लग रही है, उन बच्चों को सर्दी, कितने छोटे छोटे बच्चे मैडम। कलेक्टर ने ऑर्डर जारी किए तो उनका मकसद ये था ना कि बच्चे घर से लेट आए, आपने बच्चों को कन्विंस ही नहीं किया, बोला ही नहीं कि भाई आपको 8:30 पौने 9 बजे स्कूल आना है। ऑफिस में पता कीजिएगा कन्वे किया है क्या नहीं है। तो फिर कैसे मैं कह रहा हूँ स्कूल हाउसफुल हो गया आपका मैडम, स्कूल तो हाउसफुल है आपका, आपको कैसे मालूम है? अरे मैं खड़ा हूँ 8 बजे बाहर, आप देखिए, आप मेरे साथ आइए, आइए चेक करते हैं। अरे मेरा स्कूल देखने के लिए आपकी आवश्यकता है क्या? क्यों है तो फिर इसका मतलब कलेक्टर की परवाह नहीं है आपको? नहीं, आप देखो मैं आपको 3 बार बोल चुकी हूँ कि जो है हम कलेक्टर गवर्नमेंट के साथ है, हम अगर आप गवर्नमेंट के साथ हैं तो बच्चे 8 बजे से स्कूल में कैसे आ रहे हैं मैडम? देखो सर, देखो हमारी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, हम अथॉरिटी को भी जो है जवाब देंगे, आपको नहीं है, मीडिया से जो है, मीडिया भी जो दिख रहा है वो तो बताना पड़ेगा मैडम। छोटे छोटे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कुछ तो रहम कीजिए, सर्दी लग रही है उनको मैडम, कलेक्टर ने उनके लिए तो ऑर्डर किए 9 बजे बुलाओ ना उनको, आप क्यों 8 बजे बुला रहे हैं? देखो आप, मैं एक महिला हूँ, आपको मेरे साथ ढंग से वार्ता करना ही पड़ेगा मैडम, सब कुछ तो कैमरे पे हो रहा है, मैं तो कितने अच्छे से बात कर रहा हूँ, वही मैं भी बोल रही हूँ, आप नाराज हो रही है मैडम, मैं तो बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ। देखो अभी किसकी, चलो मैं आपसे एक बार और पूछ लेता हूँ, आपको कलेक्टर की परवाह नहीं है? किसकी आवाज ऊंची है सर? अरे मैडम आवाज तो मेरा बोल ऐसा हो सकता है, मेरी 3 बार बोल चुकी हूँ, हम गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट का हर आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है, ऐसे इंडियन नागरिक वीड होता। मैं आपसे एक आखिरी बार और पूछ रहा हूँ, अगर आपका कर्तव्य है तो 8 बजे बच्चे कैसे आ गए स्कूल में बताइए आप, आपने बोला ही नहीं किसी को?